हम अपने आसपास कई चीजें देखते हैं लेकिन हमें कारण नहीं पता होता कि मामूली से दिखने वाली इस चीज के पीछे वजह क्या है। चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी जाती है और भला पायलट दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ाते और पानी की बोतल के ऊपर ये लाइन क्यों होती है। इन सभी सवालों का जवाब देते हैं फैक्ट के साथ। दोस्तों क्या आपको पता है हिल्स की शुरुआत कैसे हुई? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हिल्स मूल रूप से पुरुषों के लिए बनाई गई थी। जी हाँ, दरअसल 10वीं शताब्दी में हिल की शुरुआत हुई। उस वक्त पोलूशन आर्मी के घुड़सवार इसे पहना करते थे जिससे घोड़े पर बैठकर युद्ध करते वक्त उनका पैर फिसल ना जाए। वहीं दूसरा तथ्य ये भी है कि हाई हील्स इसलिए बनाई गई ताकि मर्द ज्यादा मर्दाना दिख सके। प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि लड़कों के हाई हील्स पहनने से वो ज्यादा मर्दाना दिख सकते हैं और इसलिए पुरुषों ने हाई हील्स पहनना शुरू किया। इतिहास के अनुसार हाई हील्स का सबसे पहला उपयोग 1000 ईसा के आसपास का है जो पर्शियन लोगों का समय माना जाता था। दोस्तों आपने भी देखा होगा चिप्स के पैकेट में चिप्स कम और हवा ज्यादा होती है, उसके अंदर कोई आम हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन भरी जाती है। उसके अंदर नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है ताकि पैकेट के अंदर चिप्स ऑक्सीडाइज होकर खराब ना हो और हमें चीज़ खाने में क्रंची और स्वादिष्ट लगे, इसलिए चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है। फैक्ट नंबर 3, पायलट दाढ़ी क्यों नहीं रखते। दरअसल एयरलाइंस पायलट के उड़ान के दौरान कुछ पॉइंट्स पर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन मास्क पहनना होता है। ऐसा तब होता है जब विमान में कभी भी दबाव 12,500 फीट से ऊपर होता है, यदि दो पायलट्स में से कोई एक अकेले विमान उड़ा रहा है। इसे लेकर यह तर्क दिया जाता है कि यदि ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करते समय एक पायलट की दाढ़ी होती है तो जोखिम यह है कि उसके चेहरे के बाल मास्क को कसकर फिट नहीं होने देंगे, इस प्रकार पायलट की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आप प्लेन में कोई भी अपनी पानी बोतल या कोई लिक्विड नहीं ले जा सकते। अगर आपको पानी ले जाना ही है तो आप एयरपोर्ट पर बनी उनकी शॉप से ही खरीद सकते हैं। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों है कि आप एयरपोर्ट से ही पानी का बोतल या फिर पानी खरीद सकते हैं। दोस्तों इसका कारण यह है कि कई बार ऐसे मामले सामने आए जिसमें लोगों ने पानी में कुछ ऐसा मिलाया है जो कि हाई प्रेशर में जाकर कोई धमाका कर सकता है या कोई घटना कर सकता है, इसलिए आप अपनी कोई भी पानी या लिक्विड प्लेन में नहीं ले जा सकते। फैक्ट नंबर 5, पानी की बोतल के ऊपर लाइंस क्यों होती है। दरअसल पानी की बोतल पर यह लाइंस स्टाइल के लिए होती है और साथ में बोतल को मजबूती देती है। इसी के साथ बोतल के ग्रैंड को भी बाकी बोतलों से अलग दिखाता है, इससे बोतल को पकड़ने में आसानी होती है। दोस्तों आप तो ये जानते हैं कि आपातकालीन स्थिति में ट्रेन की चेन खींची जाती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों जब कोई भी ट्रेन की चैन खींचता है तो सबसे पहले ट्रेन ड्राइवर के पास ऑप्शन होता है कि वह ट्रेन को रोके या नहीं। उसके बाद जब ट्रेन को रोका जाता है तो वह 1 किलोमीटर बाद जाकर रुकती है। जब ट्रेन चेन खींचने की वजह से रुकती है तो ट्रेन में 3 बार हॉर्न बजता है। अगर कोई बिना किसी कारण के चैन खींचता है तो उसे जेल के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।